बच्चों के लिए पाली पढ़ना भाग दो। पहले भाग में आपने खूब सारा टिकटॉक बनाया नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स का। दूसरे भाग में से आगे बढ़ेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि। अब यहां जब आप नेट खोलेंगे और या पूरा कहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर जगह संस्कृत भाषा में लिखा गया और गाया गया है। इसका पहले अंतर समझ लें। पाली के अंदर जो पुरानी भाषा है, आज की हिंदी भी कह सकते हैं, उसमें अंग बहुत इस्तेमाल होता है। अंग अंग संघ है, गंग है, जैसे हम बोलते हैं सिंह है, मेरा नाम है सिंह है, पाली का नाम है, बाद में अंग आता है, तो जिसमें बाद में अंग लग जाता है वो पाली में आता है। अंग का मतलब होता है को, जिसमें अंग लग जाए, जैसे सिंह तो मतलब शेर को, या अगर हम कहें बुद्धंग तो इसका मतलब बुद्ध को, या धम्मंग धम्म को। और इसका संस्कृत वर्जन किया गया बाद में, इसको संस्कृत किया गया, मॉडिफाइड किया गया, तो उन्होंने इसमें अम लगाया बाद में, अम बुद्धम धम्मम संघम। जैसा कि मैं लिख के आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है ये पाली में है बुद्धं शरणं गच्छामि, और ये दूसरा वाला जो है ये है संस्कृत भाषा में बुद्धं शरणं गच्छामि। तो आपने जब संस्कृत भाषा में पढ़ना है तो संस्कृत भाषा में ही बोलना है, मगर जब पाली में पढ़ना है तो प्योर पाली में पढ़ना है। तो यहां मैं आपको पाली में सिखा रहा हूं तो आप पाली में सीखेंगे। पाली में शय नहीं होता, शरणम नहीं होता, शरणम नहीं होता, आखिर में अम नहीं होता और शुरू में शय नहीं होता, क्योंकि शय पाली में है नहीं और हलंत भी पाली में नहीं है, अम भी नहीं है। तो इसलिए होता है ओरिजिनल शब्द होता है बुद्धं शरणं, तो अंग आएगा इसमें स के साथ, स वो आएगा जो संसार में, जैसा मैंने यहां लिखा हुआ है सुधीर वाला या संसार वाला, स आएगा और बाद में अंग आएगा, तो इसको बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि। ये स की आवाज नहीं आएगी, स की आवाज आएगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जो संस्कृत भाषा है उसमें ऐसे आता है बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं संघं शरणं गच्छामि। मतलब दोनों का एक है, मगर पाली में अलग तरह से बोला जाता है और संस्कृत भाषा में अलग तरह से बोला जाता है। तो हम यहां पाली में बात करेंगे। आपने टिकटॉक जो बनाना है पाली में बनाना है, आपने जो अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, जो फेसबुक पर डालना है, वो पाली में डालना है और लिखना है कि ये पाली का है। कैसे गाएंगे पाली में, कैसे याद करेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको तीन बार गाते हैं, फिर इसको बोलेंगे द्वितीयम्पि। द्वितीयम्पि का मतलब है द्वितीयंग अपि, द्वितीयंग माने दोबारा और अपि माने भी, यानी दोबारा भी, और तृतीयम्पि का मतलब है तृतीयंग और अपि, यानी कि तिवारा भी, अपि माने भी होता है और तृतीयंग माने तिवारा को भी। तो हम दोबारा तिवारा में भी यही गाएंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और तिवारा में भी यही करेंगे, तृतीयम्पि जो करेंगे तिवारा में भी यही करेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो आपने संस्कृत भाषा का और पाली का डिफरेंस का अच्छी तरह से नोट करना है कि संस्कृत भाषा में बाद में हलंत आता है, मैं आता है, अम आता है, जैसे शरणम, और पाली के अंदर आता है शरणंग। तो ये अंतर आपने देखना है। और शुरू के अंदर शय नहीं है तो स शब्द है शरणंग। तो अब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसकी टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे और खूब सारी वीडियो बनाकर डालेंगे। ये आपका एक तरह से खेल और मनोरंजन भी है जो छुट्टियों में आपके काम आएगा, और आप धीरे धीरे पाली भी सीखेंगे और इसको गाकर अच्छी तरह से वीडियो बनाकर डालेंगे अपने परिवार में, अपने लोगों में, और उनसे भी कहेंगे कि आप अपना वीडियो बना के इसको डालिए। और वीडियो बनाना एक बहुत अच्छा जरिया है जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे गाएंगे,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। ये आप बनाकर टिकटॉक पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, मेरे फेसबुक पेज पर अटैच कर देंगे, वहां कमेंट में डाल देंगे, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये देख रहे हैं, टीम 22 यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और आजकल कंपटीशन भी चल रहा है जो SN न्यूज पर है, आप उस पर डालेंगे तो आपको 10,000, 5,000 और 2,000 का, उसमें बहुत सारे इनाम है, आपको इनाम भी मिलेंगे। आप खेल खेल में ये भाषा सीख जाएंगे, मैं आपको पाली में और भी आगे सिखाऊंगा। ये दूसरे नंबर की वीडियो है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Touch.